हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय बायोलॉजी मंत्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएससी बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी का जो है वो बहुत ही जल्दी आपका आफ्टर 12 डेज है, इसीलिए मैंने बहुत ही क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं एक चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत ही आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसकी रिवीजन सीरीज आपको तुरंत मिल जाए। ये जो आपका मैंने सीरीज स्टार्ट करी है इसमें मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी एक एक करके, और जैसा कि जो टफ चैप्टर्स हैं उनको मैं पहले कंप्लीट करा रही हूँ। उन्हीं टफ चैप्टर्स में एक है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, क्योंकि इसमें इट कंटेन्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इसे आपको शुरू में ही पढ़ना चाहिए ताकि इसे आप कई बार रिवाइज कर सकें। एक बार तो आप पढ़ ही चुके होंगे लेकिन मैं अपने तरीके से इसे रिवाइज करूंगी और फिर आप फर्क देखेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2018 से आईएससी बोर्ड ने टोटली एनसीईआरटी पैटर्न को ही, सीबीएसई बोर्ड के ही पैटर्न को फॉलो कर लिया है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है और जो सिलेबस है वो पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो हमें जो क्वेश्चन पेपर है वो दो साल में ज्यादा फोकस करने हैं। 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको मैं नूतन की बुक से ही करवा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इसी बुक को फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जिसे हमें डिलीट करना है, मीन्स उसे हमें लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें नहीं दी हैं वो मैं ऐड करा दूंगी, तो आप उसे साथ के साथ ऐड करते चलेंगे और इसे रिवाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो लेट्स मूव द चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये सिलेबस दिया हुआ है, इसमें आप देखिए ये टोटली मैच करता है आपका जैसे कि एनसीईआरटी बायोलॉजी से। बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। अब इसके डिटेल सिलेबस में आ जाते हैं। देखिए डिफाइंड बायोडायवर्सिटी, फ्यू एग्जाम्पल्स ईस्ट टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी स्पीशीज, इकोसिस्टम जेनेटिक, फिर हमें ग्लोबल डायवर्सिटी एंड प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्स ऑफ प्लांट्स इन वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स, फिर पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, लेटिट्यूड एंड ग्रेडियंट्स एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ और उसकी इक्वेशन, रैबिट पॉपर हाइपोथेसिस, ये सारा चीज हम एक एक करके इसको देखते जाते। आप फर्स्ट टू पेजेस डायरेक्टली छोड़ देंगे, पेज नंबर 804 से आएंगे जहां पर आपका टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी दिया है। आप चैप्टर को यहां से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले का कुछ भी ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सब कुछ भी आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है। यानी टू पेजेस यानी टू एंड हाफ पेजेस हमने छोड़ दिए हैं, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी में द टर्म बायोडायवर्सिटी जिसे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी बोलते हैं वो कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन, लेकिन वो वॉल्टर जी रोजन ना देके जिन्होंने पॉपुलराइज किया है इस टर्म को, एडवर्ड विल्सन। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एडवर्ड विल्सन का कंट्रीब्यूशन बताइए, तो आप इसे पॉपुलराइज भी लिख सकते हैं, क्वाइंड द टर्म ये आप बोल सकते हैं, डायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी इन्होंने ही दिया था। ये देखिए डेफिनेशन, दिस इज द गुड डेफिनेशन गिवन हियर, बायोडायवर्सिटी की दी हुई है। बायोडायवर्सिटी में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज रिचनेस, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहैबिटिंग इन अ गिवन हैबिटेट। ठीक है, अगर आपको कुछ भी ना याद आए तो यहां पर आप लिख सकते हैं वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, और फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सारे टेरेस्ट्रियल मेरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शो करते हैं। अब आप यहां पर आ जाइए, बायोडायवर्सिटी कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स में डिवाइड करता है, जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। यानी हो सकता है वो टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी पूछ लें कि जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी बताइए। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी जो है, जेनेटिक डायवर्सिटी रिफर टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन द स्पीशीज, जीन्स का जो स्पीशीज में वेरिएशन है, यानी कि जेनेटिक डायवर्सिटी कैसे बनता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन इज बेसिस 99.9% सारे ह्यूमन बींग्स में सेम है, कुछ 0.1% कहीं कहीं डिफरेंट है, तो जेनेटिक डायवर्सिटी अकर एट द मॉलिक्यूलर लेवल एंड डिसाइड्स ऑन द वेरिएशन एंड सीक्वेंस ऑफ फोर नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इसके बाद आप जेनेटिक डायवर्सिटी में एग्जाम्पल कर लेंगे, द जेनेटिक वेरिएशन इन रोवोल्फिया वोमिटोरिया, ये एक मेडिसिनल प्लांट है लेकिन ये आपको जो हिमालय रेंजेस थी उनमें अलग अलग पोटेंसी का, यानी उनमें अल्कलाइड जो रेसरपाइन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी इसी रोवोल्फिया वोमिटोरिया की अलग अलग थी हिमालयन रेंजेस में अलग अलग जगह पर। तो दिस इज द जेनेटिक वेरिएशन एंड द प्लांट प्रोड्यूसर्स एंड इंडिया में क्या है, 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स राइस की है एंड 1,000 वेराइटीज टाइप के मैंगोज हैं। तो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स जो कि आपको जेनेटिक वेरिएशन में लर्न करने हैं। जेनेटिक वेरिएशन की डेफिनेशन, ऑफ जेनेटिक वेरिएशन टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज एंड जेनेटिक डायवर्सिटी होता क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, यानी कि वेरिएशन अमंग द सीक्वेंसिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज।
स्पीशीज डाइवर्सिटी देखते हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन. एक रीजन में वैरायटी ऑफ स्पीशीज होती है, उसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये वहां की स्पीशीज रिचनेस को भी बनाता है. स्पीशीज रिचनेस यानी वहां पर जितनी स्पीशीज हैं उसको उसके उस जगह की स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं. कोई जगह जहां पर ज्यादा स्पीशीज जैसे हॉट स्पॉट्स हैं वो स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है वहां पर. टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज जितनी वहां पे हैबिटेट पे रह रही हैं. फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल है वेस्टर्न घाट जो इंडिया का है हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज. उसमें एम्फीबियंस की बहुत सारी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स. तीसरा जो है हमारा टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है तो बायोस्फीयर में, तो ये डाइवर्सिटी भी क्रिएट कर रहे हैं. तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ईच ऑफ विच सपोर्ट्स डिफरेंट एंड स्पेसिफिक वेजिटेशन. या आप सिंपली कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर एंड दिस इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का भी एग्जांपल दिया हुआ है. जैसे कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर इंडिया में देखें तो डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, इस्चरीज, एल्पाइन मीडोज, ये सब में बहुत इकोसिस्टम, ग्रेटर इकोसिस्टम, बहुत टाइप की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है. और ये ज्यादा है देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे नॉर्वे, उससे ज्यादा हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. अब हम आ जाते हैं ग्लोबल डाइवर्सिटी की तरफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका. जो अभी तक मैंने ये आपको टॉपिक पढ़ाया है इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन एनी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शोइंग डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, या एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक स्पेसिफिक एंड इकोलॉजिकल लेवल विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ईच. एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको तीनों ये आपका पूछ लें, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. या वो पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से कि इंडिया हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन इन सपोर्ट टू आंसर. तो ये वाला पॉइंट आपको इसमें लिखना होगा कि हाँ ठीक है इस वजह से है कि इंडिया में ये सारे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, ये सारा कुछ है और देन द स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे से ज्यादा है. या वॉट इज द राइट द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे, है ना. या इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे. इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं एग्जांपल्स के या इनकी डेफिनेशन के. तो अभी तक हमने इतना ही किया, लेट्स मूव टू फर्दर ग्लोबल डाइवर्सिटी. अब ग्लोबल डाइवर्सिटी में हम क्या करेंगे, ग्लोबल डाइवर्सिटी में ये पूरा जितना मैंने अंडरलाइन किया है इसे आपको करना, कुछ चीजें मैंने ऐड भी करी है वो भी हम लोग कर लेंगे. कि अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 की रिपोर्ट के अंदर, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 की जो उनकी रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो अब तक डिस्क्राइब हुई है करी है वो कितनी है, 1.5 मिलियन है. लेकिन अभी तक क्लियर आइडिया हमें नहीं है कि कितनी अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी है, कितनी डिस्क्राइब हो चुकी है. इसके बारे में जो रॉबर्ट मे है, अ मोर कंजर्वेशन एंड साइंटिफिकली जो साउंड एस्टिमेट दिया है ये रॉबर्ट मे ने दिया है, बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल डाइवर्सिटी. और इन्होंने डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन इन्होंने दिया है. इन्होंने ये बोला है कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, अब तक 7 मिलियन हो चुकी है. एंड एज पर इसमें इस 7 मिलियन में जो है 70% स्पीशीज एनिमल्स की है और उन एनिमल्स में भी जो है 70% इंसेक्ट की स्पीशीज है. यहां पर 61 है, इसे आप 70 कर लीजिएगा. और ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स नॉट मोर देन, लिखा हुआ नॉट मोर देन 22%. प्लांट की जो स्पीशीज है वो कितनी है, नॉट मोर देन 22%. ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन यहां पर कर लीजिएगा, यहां पर नॉट लगा दीजिएगा, यहां 61 की जगह 70 कर दीजिएगा. तो ये जो बायोलॉजिस्ट हैं ये श्योर नहीं है प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के बारे में कि वो ग्लोबल डाइवर्सिटी में कितना उनका अब तक डिस्क्राइब हो चुके हैं, कितने डिस्कवर हो चुके हैं, इसके बारे में जो है साइंटिस्ट नहीं बता पाते हैं. तो क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि कन्वेंशनल जो कि टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं वो सुटेबल नहीं होते हैं टू आइडेंटिफाई माइक्रोबियल स्पीशीज. ये पहला कारण है. दूसरा कारण है कि इफ वी एस्टिमेट प्रोकैरियोट बाय बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया तो डाइवर्सिटी अमंग माइट रन इनटू मिलियंस में हो जाएगा. तो इतना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी पता लगाना. तो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक की ग्लोबल डाइवर्सिटी का पता नहीं लगाया जा पाता है. अब देखिए यहां पर कुछ ग्राफ दिए हैं, इनवर्टिब्रेट्स में कैसा है, वर्टिब्रेट में कैसा है, प्लांट में कैसा है. इस ग्राफ के साथ आपको लर्न करना है क्योंकि ग्राफ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकते हैं.
और उसको आप इस तरीके से कर लीजिए, जैसे ये इनवर्टिब्रेट्स का ग्राफ है, तो हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स कितने, अगर टोटल एनिमल स्पीशीज देखें तो उसमें कितने हैं, 70%, तो सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, इंसेक्ट्स का है, फिर किसका है, मोलस्क का है, फिर उसके बाद क्रस्टेशियंस आते हैं, फिर बाद में सारे अदर एनिमल ग्रुप्स पे आते हैं, तो दिस इज द सबसे ज्यादा इंसेक्ट देन मोलस्क, ये इनवर्टिब्रेट का हो गया। ये देखिए आपका सेकेंड ग्राफ है, ये वर्टिब्रेट्स का ग्राफ है, इसमें सबसे ज्यादा आपको फिशेस मिलेंगी, फिशेस के बाद आपकी बर्ड्स हैं, बर्ड्स के बाद आपका रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के बाद आपके मैमल्स है, और मैमल्स सबसे लास्ट में आपको एम्फीबियन की स्पीशीज जो है वो मिलेंगी। फिर आप प्लांट्स में आ जाएं, प्लांट्स में जो है सबसे ज्यादा जो है फंजाई का ग्रुप है, उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, देन एल्गी है, उसके बाद परसेंटेज एल्गी का परसेंटेज ज्यादा है, देन मॉसेस, मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स, देन फर्न यानी टर्डोफाइट्स, एंड देन फाइनली लाइकन्स। ठीक है, देन कम टू रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल डायवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर, तो ये इन्होंने दिया हुआ है, इसे इस ग्राफ को आपको अच्छी तरीके से करना है, कौन कितना है कैसे, इससे आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लास्ट में एक पॉइंट आप और इसमें ऐड करेंगे कि द नंबर ऑफ फंगल स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंगल स्पीशीज है वर्ल्ड की, अगर उसको एक तरफ रखें और एक तरफ सारी टोटल स्पीशीज फिश की, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स की हम जोड़ दें, तो फंगल स्पीशीज ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू दीज, ऑल दीज कंबाइंड टूगेदर। देन कम टू पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो हम जानते हैं कि जो पैटर्न है बायोडायवर्सिटी का वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट होता है टू रीजन, अफेक्टेड बाय टू रीजंस। पहला तो इसका है, क्यों, किससे अफेक्ट होता है, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट सब जगह का अलग है, और दूसरा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये दो रीजंस की, दो फैक्टर्स की वजह से ये इफेक्ट होता है और पैटर्न सिमिलर यानी यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। हम जानते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, यानी इक्वेटर में स्पीशीज ज्यादा है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है पोल में, पोल में वैसे भी ठंडक होती है तो पोल में स्पीशीज रिचनेस कम है। फिर दूसरी बात यह है कि ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीशीज होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट या पोलर एरियाज में, ये भी रीजन आपका हो गया। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया है कि कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। इसके बारे में मैं बता देती हूँ, इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से इसको बना लीजिएगा, कर लीजिएगा, इसमें कई हैं। तो पहला ये है कि ये जैसे ये इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर में कोलंबिया इक्वेटर के पास है, तो इसके पास 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है नियर इक्वेटर कोलंबिया। इसके बाद जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, इसका 41 डिग्री नॉर्थ है, तो इसमें केवल 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलती है। जब आप ग्रीनलैंड में पहुंचेंगे, ये जो पोल के पास ही है, इसमें 71 डिग्री नॉर्थ इसका लेटिट्यूड ग्रेडियंट है, इसके पास केवल 56 स्पीशीज ही बच रही है, ओनली 56 स्पीशीज बच रही है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, एक का उन्होंने दे दिया। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडायवर्सिटी, प्रूव इट। तो इसमें कुछ आपको एग्जाम्पल, गिव सम एग्जाम्पल्स एंड प्रूव दिस स्टेटमेंट दैट ट्रॉपिक्स हैव मोर बायोडायवर्सिटी, तब आपको इसमें ट्रॉपिक्स के ज्यादा वो देने पड़ेंगे। जैसे कि पहला आप बता सकते हैं कि इंडिया, जिसका बहुत सारा लैंड एरिया जो है वो ट्रॉपिक लैटिट्यूड में है, उसमें 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं क्योंकि वो ट्रॉपिक में है। इसके बाद इसी तरीके से ट्रॉपिकल अमेजोनियन जो फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, उस वो ग्रेट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ माना जाता है, सभी को पता है, और इट इज होम फॉर द कितनी स्पीशीज के लिए, 40,000 स्पीशीज उसमें प्लांट्स की है, 3,000 स्पीशीज फिशेस की, 1,300 स्पीशीज बर्ड्स की, 427 स्पीशीज मैमल्स एंड एम्फीबियंस की भी 427 है, 370 स्पीशीज, 8 स्पीशीज रेप्टाइल्स की, और 1,25,000 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट्स की है। ये लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं कि जो ट्रॉपिक फॉरेस्ट जो इक्वेटर में है, उसमें 10 टाइम्स मोर स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स हैं देन वैसा ही उतने ही एरिया का अगर फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में है। फॉर एग्जांपल मिडवेस्ट यूएसए जो कि आपका टेम्परेट रीजन में पड़ता है, अगर उसको हम कंपेयर करें ट्रॉपिक फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर में पड़ता है, तो उस ट्रॉपिक फॉरेस्ट में 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज है। तो ये पूरा पॉइंट थोड़ा सा आप इसको ऐड कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है उसको ऐड कर लीजिएगा। ये इस तरीके से लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पूछा जा सकता है। नाउ रीजंस फॉर ग्रेटर बायोडायवर्सिटी इन ट्रॉपिक, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन द ग्रेटर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेशन, तो रीजंस करके ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट,
स्पीशिएशन जो है वो जनरली फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब स्पीशिएशन टाइम के साथ ही स्पीशिएशन होता है. जैसे टेम्परेट रीजन में सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता है, जबकि ट्रॉपिक रीजन में रिमेन्स रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फ्रॉम द पास्ट. पास्ट के टाइम पे ये जो है अनडिस्टर्ब रहा है एंड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम से फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. तो ये मोर जो है हेंस इवॉल्व मोर स्पीशीज, क्योंकि ट्रॉपिक रीजन अनडिस्टर्ब रहा है बहुत समय तक, जबकि टेम्परेट रीजन में फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन होता रहा है. इसलिए स्पीशिएशन तो टाइम अगर एक जैसा कॉन्स्टेंट टाइम रहेगा तभी स्पीशिएशन कायदे से हो पाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक, इसलिए स्पीशीज रिचनेस ट्रॉपिक्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेम्परेट. जैसे कि टेम्परेट वंस है वहां पर, लेकिन जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है वो लेस सीजनल होते हैं, यानी ऑलमोस्ट लगभग एक जैसा ही सीजन रहता है और रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल रहता है कि कौन सा मौसम कैसा है. ये नहीं कि कभी भी बारिश होने लगी कभी भी धूप निकल आई, ऐसा नहीं है. तो ऐसा ही कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट करता है निश स्पेशलाइजेशन या स्पीशीज रिचनेस को एंड लीड टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी. ये भी एक रीजन है. तीसरा रीजन है कि ट्रॉपिक्स में सोलर एनर्जी जो होती है वो ज्यादा है मिलती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन. तो जब सोलर एनर्जी ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, यानी ज्यादा हायर प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स वगैरह वहां ज्यादा होंगे और ये जो है इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा ग्रेटर डाइवर्सिटी को. क्योंकि तो ये तीन पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से करने हैं फॉर रीजंस ऑफ ग्रेटर बायोडायवर्सिटी इन ट्रॉपिक. नेक्स्ट सेकंड जो रीजन है जो इफेक्ट करता है पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी को वो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को डिफाइन करिए, या किसने किया इसको साइंटिस्ट का नाम पूछ लें, या पूरा एक शॉर्ट नोट पूछ लें. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप शॉर्ट नोट में देता है 2 या 3 मार्क्स में. तो आप इसको इस तरीके से करेंगे कि ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे या ज्योग्राफर थे जो कि जिनका नाम था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि विद द रीजन ऑफ स्पीशीज रिचनेस का रीजन इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया. जितना एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना स्पीशीज रिचनेस बढ़ता जाएगा, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, यानी कि आप कॉन्टिनेंट जितना बढ़ा दें तो बढ़ता जाएगा. अगर हम इसको प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें, स्पीसीज रिचनेस को एक तरफ रखें और एक तरफ एरिया को, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, जो वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो ग्राफ मिलेगा, वो हमें इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा. ठीक है, तो इसको आप मेजर कर सकते हैं S इज इक्वल टू सी ए दी पावर जेड. ऑन लॉगरिथमिक स्केल अगर देखें तो रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन होती है, लॉग टेबल पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें. एक तरफ स्पीशीज एरिया रिचनेस है और एक तरफ एरिया है, तो ये लीनियर हमें मिलेगा. लॉग स्केल में ये लीनियर होता है और इसकी वैल्यू है लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए. बिल्कुल ऐसे ही है, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस लॉग जेड लॉग ए, जैसे लिखा जाता है बिल्कुल यही चीज है. इसमें बेयर एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड स्लोप ऑफ लाइन जिसे रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, सी जो है वाई इंटरसेप्ट है. बस इतना ही करना है आपको, मैथमेटिकल उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. इकोलॉजिस्ट जो है उनका ओपिनियन है कि जो जेड की वैल्यू है उसकी रेंज नॉर्मल कंडीशन में कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप किसी भी रीजन का लिया जाए, ठीक है, तो जो स्लोप है उसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू 0.1 to 0.2 रहती है. लेकिन अगर हम एनालाइज करें स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पूरे कॉन्टिनेंट, मतलब बहुत लार्ज एरिया का करें, तब जो है स्लोप ऑफ लाइन जो है बहुत स्टीपर हो जाएगी, यानी जेड की वैल्यू क्या होगी 0.6 to 0.2 के बीच में होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि फ्रूगिवोरस जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इनहेबिट करती हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स इनहेबिट करते हैं, अगर इनका स्लोप हम देखें तो ये 1.15 मिलेगा हमें. तो ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज आपको करना है अलॉन्ग विद दिस डायग्राम, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है. अब ये है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप यहां से मत करिएगा, बहुत अजीब दिया हुआ है और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं इसको आप समरी से करेंगे, इसका शॉर्ट नोट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और इसमें एक तो चीज है जो मैंने इंक्लूड करी है तो वो जो है आप कर लेंगे. सीधा शॉर्ट नोट में आते हैं, मैं वहीं से आपको करवा देती हूँ. शॉर्ट नोट में आइए,
ये है आपका बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इसका शॉर्ट नोट पूछेंगे तो इसमें ये लाइन आप ऐड कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया जो है वो टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% कवर करता है, लेकिन जो ये इस ग्लोबल स्पीशीज कितनी शेयर करता है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इसमें कितनी है 8.1%। सो इंडिया हैज 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया बट इट शेयर्स 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये लाइन आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद ये आप लिख सकते हैं कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में से एक है, ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, और ये 60-70% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी को शो करता है। इसके बाद इसमें मेन लैंड जो है वो 4 रीजन्स में है, द ग्रेट माउंटेन जोन है, प्लेन ऑफ गंगा है, इंडस रीजन, डेजर्ट रीजन, साउथ सदर्न पेनिनसुला है, बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मतलब नहीं है इसका। इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, फ्लोरा इसमें प्लांट्स बहुत हैं। अगर कोई डेटा जो अवेलेबल डेटा इंडिकेट करता है कि इंडिया 10th पोजीशन है वर्ल्ड में और 4th पोजीशन एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी के केस में, 70% ज्योग्राफिकल एरिया सर्वेड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि लगभग 47 लिखा है, 45 करके लर्न कर लीजिए, 45,000 प्लांट स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब हो चुकी है, उनमें से उन 45,000 प्लांट स्पीशीज में 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज है इंडिया में, और मोर देन 35% उनमें से जो है वो एंडेमिक है। और सिमिलर टू अ रिच वेरिड वेजिटेशन, इंडिया में जो है फौना के बहुत रिच है, फौना भी है, तो इसका जो फौना है लगभग इतनी ये आपने यूनिट नहीं याद कर पाएंगे इसको, 90,000 अप्रोक्सीमेटली लर्न करिए, अबाउट लिख दीजिएगा, अबाउट 90,000 स्पीशीज ऑफ जो एनिमल्स हैं वो डिस्कवर्ड सो फार हुई हैं, उनमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज हैं। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल लाइफ फॉर्म्स एंड इकोसिस्टम विच दे आर ऑफ अ पार्ट, तो बायोडाइवर्सिटी हर तरीके का इकोसिस्टम है, आप वो वाला पार्ट लिख सकते हैं कि इसमें कोरल रीफ्स भी हैं, हर चीज डेजर्ट भी है ना, हर तरीके का ये है, तो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, एवं बट इतना आप लिख देंगे तो यू विल गेट मार्क्स। मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत छोटा सा टॉपिक है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं, स्पीशीज रिचनेस से मेजर करते हैं। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन कम्युनिटी, कितनी स्पीशीज जो है एक कम्युनिटी में है उसको स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं। ये तीन लेवल है, एक तो होती है वो स्पीशीज जो विद इन अ हैबिटेट हो, जैसे अल्फा डाइवर्सिटी टू द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ सिंगल कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज है वो हो गई आपकी अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी यानी कि कंपेयर जब करें आप कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट्स, दो हैबिटेट आपने ले लिए उनमें देख रहे हैं कि आपको जो है दो कम्युनिटी ले ली है, दो हैबिटेट ले लिया उसमें देख रहे हैं कि किसमें कितनी ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है। गामा बायोडाइवर्सिटी द सम ऑफ अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी, सब मिक्स कर दिया अंदर का भी और दोनों साइड वाले भी है, तो उनको पूरे इकोसिस्टम का जब आप कंपेयर करेंगे तो वो हो गया आपका गामा डाइवर्सिटी। नाउ कम टू बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो है आप लिख सकते हैं कि इट फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफ अवर प्लेनेट, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, या बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड द एश्योरेंस ऑफ फूड, रॉ मटेरियल, फाइबर फॉर क्लोथिंग, materials for shelter, fertilizer, fuel, medicine as well as sources of work energy. Biodiversity also maintains the ecological balance necessary for planetary and human survival. तो इस तरीके के कुछ points आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको ये चीजें इसमें add करनी होगी कि according to ecologists, a communities with more species tend to be more stable than those less species. Ecologists के हिसाब से जो उस community में जिसमें ज्यादा species हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जिसमें कम स्पीशीज हैं। और अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट डाउन द एट्रीब्यूट ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो स्टेबल कम्युनिटी में क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट, उसे क्या क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन, उसे नहीं शो करना चाहिए प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, हर साल अलग प्रोडक्टिविटी उस कम्युनिटी को नहीं शो करनी चाहिए स्टेबल कम्युनिटी को, क्योंकि उसमें क्या है वेरिएशन नहीं है। और दूसरी चीज, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट एंड रीसाइलेंट, अगर कोई ओकेजनल डिस्टर्बेंस मैन मेड हो या नेचुरल कोई ड्राउट हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो उसके लिए वो रेजिस्टेंट होना चाहिए या रीसाइलेंट होना चाहिए, एक स्टेबल कम्युनिटी के एट्रीब्यूट मैं बता रही हूँ। तीसरा आपको लिखना है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, के लिए भी वो रेजिस्टेंट होना चाहिए,
यानी उसको ज्यादा वेरिएशन प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर नहीं शो करना चाहिए, उसे रेजिस्टेंट या रीसाइलेंट होना चाहिए जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस ड्रॉट वगैरह होता है उसके लिए, और तीसरा उसे रेजिस्टेंट होना चाहिए कोई एलियन स्पीशीज अगर उसमें इन्वेड कर जाती है तो। ये तीन चीजें स्टेबल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है, तब वो एक कम्युनिटी स्टेबल मानी जाएगी। तो इंपॉर्टेंस में तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इसके बाद आप ये डेविड टिलमैन वाला करेंगे कि डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द टू द इकोसिस्टम एंड सपोर्ट योर आंसर विद द फाइंडिंग ऑफ टिलमैन, ठीक है। तो स्पीशीज की क्या वो है इंपॉर्टेंस है, तो आप ये इंपॉर्टेंस एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डेविड टिलमैन का एग्जांपल दे सकते हैं। तो वाइल कैरिंग लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट जो कि डेविड टिलमैन ने किया था, उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा प्लॉट लिया, उसमें बहुत सारी स्पीशीज को ग्रो किया, तो उन्होंने देखा कि शोज लेस वेरिएशन इन टोटल बायोमास एंड कंक्लूडेड दैट जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उतना वो प्रोडक्टिविटी हायर होगी उस एरिए की। और रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बल्कि ये सर्वाइवल फॉर ह्यूमन रेस के लिए भी बहुत जरूरी है। ये डेविड टिलमैन का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये स्पीशीज रिचनेस कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम के लिए, इसके बाद ये अभी भी अनआंसर्ड है क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो कैसे ये स्पीशीज रिचनेस जो है कंट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम, कैसे वेलबींग के ऑफ इकोसिस्टम, इसके लिए कोई डायरेक्ट आंसर नहीं मिला। लेकिन फिर ये जो पॉल एहलरिक थे, इन्होंने ये स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रैबिट पॉपअप हाइपोथेसिस का सहारा लिया और उसकी एनालॉजी उन्होंने यूज करी। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू रैबिट पॉपअप हाइपोथेसिस जो नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ है उसको उन्होंने कंपेयर किया एयरप्लेन से, एरोप्लेन से उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने ये बोला कि एयरप्लेन जो है वो अगर इसको इकोसिस्टम मान लिया जाए तो उसके जितने भी पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट जो ज्वाइंट टुगेदर, वो राइबिट्स जो है वो क्या है, स्पीशीज मान लिया जाए। तो अगर ऐसा हो कि जो भी इस पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है अगर वो एक पार्ट जो है उसका निकाल कर उतर जाए तो क्या होगा, कॉजिंग द स्पीशीज टू बी एक्सटिंक्ट, और ये समझ लो कि वो उतर गया मतलब वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, तो इट मे नॉट अफेक्ट द सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, तो कुछ खतरा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा राइवेट्स स्पीशीज उसके रिमूव पार्ट रिमूव करते जाएंगे तो एयरप्लेन के लिए डेंजरसली वीक हो जाएगा और पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्रैश भी हो सकता है। दूसरी चीज इसमें ये है कि कुछ जगह से जैसे कुछ पार्ट्स अगर आपके विंग्स के पास से अगर पार्ट निकाल लेते हैं तो क्या होगा, वो की स्पीशीज माना जाएगा, ठीक है। दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन लाइक स्पीशीज इन्वॉल्व इन द साइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, मतलब उसमें वो बहुत सारी डिपेंडेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसी को आप उठाकर निकाल के ले गए वही एक्सटिंक्ट हो गई तो वो इकोसिस्टम के लिए खतरा है, रादर देन किसी दूसरी जगह से आप उसका अगर निकालकर स्पीशीज ले जा रहे हैं तो वो उतना खतरा नहीं है। तो की स्पीशीज जो है वो इसलिए की स्पीशीज बोली जाती है बिकॉज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम सस्टेन टू सस्टेन द इकोसिस्टम और उनपे बहुत सारी स्पीशीज डिपेंडेंट होती है। तो ये पूरा आपको एज अ शॉर्ट नोट इसको रैबिट पॉपअप हाइपोथेसिस बाय पॉल एहलरिक और डेविड टिलमैन जो का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट लर्न करना है। और तीसरा आपको ये करना है कि अकॉर्डिंग टू ये मैंने जो बताया कि स्टेबल कम्युनिटी के एट्रीब्यूट्स करने हैं और इसमें तो आप लिख देंगे कि बाय दो तीन पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, इधर से भी मैंने एक दो कर दिए हैं कि इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज स्पेशली वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अप्रॉक्सिमेटली 75% ऑफ द डेथ्स ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड एथिकल में ये है कि बेस्ड ऑन द रिलीजियस फीलिंग द पीपल दैट लॉन्ग टर्म विद इंट्रिंसिक वैल्यू डिजर्व टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब ये है रिलीजियस फीलिंग होती है कुछ प्लांट्स के लिए तो उनको नहीं काटना चाहिए। तो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपकी बुक में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं दिया हुआ है, सारा ही डेटा ही अलग सा दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको मैं अपनी बुक से करवा रही हूँ, आप यहां से कर लीजिएगा। सो दिस इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट इज कॉज बाय, इसकी हर एक लाइन आपको लर्न करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ेंगे। इट इज कॉज बाय द ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहला पॉइंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पर हो रहा है। देखिए जब ट्रॉपिकल पैसिफिक लैंड में जब से ह्यूमंस ने कॉलोनाइज किया यानी रहने लगे हैं तब से वहां पर एक्सटिंक्ट हो गई 2000 स्पीशीज और नेटिव बर्ड्स वहां की एक्सटिंक्ट हो गई, ये पहला हो गया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
दूसरा जैसे कि IUCN रेड लिस्ट जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने जो रेड लिस्ट 2004 में निकाली थी उसके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जिनमें 338 स्पीशीज जो है वर्टिब्रेट्स की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स की हैं और 87 प्लांट्स हैं लास्ट 500 ईयर्स में ऐसा हो चुका है। फिर जो सम लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शंस है जैसे डोडो मॉरिशस का, क्वागा अफ्रीका की, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर्स सी का और रशिया का, और थ्री सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लास्ट 20 इयर्स में 27 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। प्रेजेंटली एट प्रेजेंट 12% बर्ड स्पीशीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज, 32% एम्फीबियन, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज जो है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को इस समय फेस कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि एम्फीबियन में सबसे ज्यादा खतरा है। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। और इसके बाद अगर एक्सटिंक्शन और देखें तो पूरे सिनेरियो में देखें, वर्ल्ड सिनेरियो में, तो ये 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड जो है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में से फेस कर रही हैं। ये जो एक्सटिंक्शन का स्टेज चल रहा है ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है। इससे पहले आपके 5 एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड, फ्रॉम द टाइम ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर अब तक ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन चल रहा है। लेकिन ये सिक्स्थ एक्सटिंक्शन बहुत ही फास्ट रेट में चल रहा है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम से। ह्यूमन एक्टिविटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस हाफ ऑफ द स्पीसीज ऑफ अर्थ विल बिकम एक्सटिंक्ट विद इन 100 ईयर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर यही कंडीशन रही तो। इसके बाद का पॉइंट भी आप करेंगे क्योंकि आपके बुक में दिया नहीं है। रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के? प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन होता है, लोअर्ड रेजिस्टेंस, जो एनवायरमेंटल परट्यूबेशंस होती हैं जैसे डिस्टर्बेंस एनवायरमेंटल, ड्रॉट वगैरह होता है, फ्लड है, ड्रॉट है, इनके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो जो आपका लोअर रेजिस्टेंट हो जाता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम, कुछ में वेरिएबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इकोसिस्टम में, प्लांट प्रोडक्टिविटी में चेंजेस हो जाते हैं, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल में चेंजेस हो जाते हैं। तो दीज आर द थ्री रीजंस रिजल्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन। आपकी बुक में ये भी बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ है इसलिए इसे मैं इस बुक से करा रही हूँ, इसे आप यहीं से कर लीजिएगा। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इसे द इविल क्वार्टेट भी बोलते हैं। ये फोर है, मेनली फोर, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा एलियन स्पीशीज इन्वेजन और चौथा को एक्सटिंक्शन। ये चार आपको इसमें करने हैं। तो पहला क्या है, द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज क्या होता है? डिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट का खत्म हो जाना, खराब हो जाना। इसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14%। पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लैंड का, वर्ल्ड का 14% लैंड सर्फेस एरिया कवर करता था, लेकिन अब 6% ही कवर कर रहा है क्योंकि इतनी फास्टर रेट से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है, जिन्हें लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, वो उसे कट और क्लियर किया जाता है, क्यों? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन एंड फॉर द कन्वर्जन सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए, और उनको कट करके ग्रासलैंड बनाया जा रहा है ताकि रेज करा जा सके बीफ कैटल्स को। वेल लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन, जब लार्ज हैबिटेट को ब्रोक करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रोक कर दिया जाता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स जिनकी वो टेरिटरी है, जिनका वो, और माइग्रेटरी बर्ड्स जिनकी वो हैबिटेट है, वो डिक्लाइन, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है। डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन फॉर, और ये डिग्रेडेशन हैबिटेट जब कम होती पॉल्यूशन की वजह से, ये भी सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज के लिए जो है खतरा है। दे बिकम ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, लास्ट 500 ईयर्स में बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेकेंड पॉइंट आपका है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमंस करते हैं तो जिसकी वजह से डिग्रेडेशन हो चुका है और एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, जैसे कि स्टीलर सीकाओ और पैसेंजर पिजन, इनका नाम अच्छे से रखें या लर्न करेंगे, और बहुत सारी मरीन फिशेज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लास्ट 500 ईयर्स में। एलियन जिन्हें एक्जॉटिक, जो बाहर से स्पीशीज आती, फॉरेनर्स जो होती हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज इन्वेजन अगर अंदर आती हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि कोई एक्जॉटिक स्पीशीज को जब अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस इंडिया करा जाता है, डेलिब्रेटरी या अनइंटेंशनली, तो वो कई बार वो जो है इन्वेजिव वीड बन जाती हैं, इन्वेजिव जो है वैरायटी बन जाती हैं, और वो इंडिजीनियस वहां पे जो पहले से रह रही हैं, जो उनका घर है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि नाइल पर्च। नाइल पर्च एक बड़ी लार्ज प्रीडेटर फिश है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में, और ये कारण बनी एक्सटेंशन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक स्पीशीज, जो वहां पे सिचिल्ड फिश रह रही थी उस लेक में,
उसके लिए ये जो है खतरे का कारण बनी। कौन सी बर्ड? नाइल पर्च, जो कि एक प्रीडेटर फिश है। इन्वेजिव वीड स्पीशीज जैसे पार्थिनम कैरेट ग्रास है, लेंटाना है, इकोर्निया वाटर हाइसिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर वन में, किसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था फॉर एस्थेटिक वैल्यू, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड पोस्ट थ्रेट टू नेटिव स्पीशीज को ये खतरा बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द रिसेंट एग्जाम्पल इज ऑफ अफ्रीकन कैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसे क्लेरियस गैरिपाइनस बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस करी गई एक्वा कल्चर पर्पस के लिए, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये थ्रेट बन गई वो जो इंडिजिनियस कैटफिश रह रही थी इंडियन रिवर्स में, उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन गई अफ्रीकन। फिर को एक्सटेंशन, ये चौथा पॉइंट है, को एक्सटेंशन ये है कि वन स्पीशीज बिकम एक्सटेंट, कई ऐसी प्लांट एनिमल स्पीशीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज से एसोसिएट होती हैं और उनसे ऑब्लिगेटरी मैनर में साथ में रहती हैं, वो भी एक्सटेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई होस्ट स्पीशीज है बिकम्स एक्सटेंट, तो वो जो जितनी पैरासाइट्स होंगी इंक्लूडिंग फाउंड ऑन इट वो भी एक्सटेंट हो जाएंगी। इसी तरीके से प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म होता है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ वन रिजल्ट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ द अदर। तो ये आपको चार पॉइंट्स स्पेशली करने हैं। नीड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आपकी बुक में अच्छा दिया हुआ है, तो यहां से हम कर सकते हैं, ये थ्री ग्रुप्स में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। पहला है नैरो यूटिलिटेरियन जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से, इसमें हम लोग जो डायरेक्ट बेनिफिट लेते हैं उसके बारे में है, जैसे कि ह्यूमन डिराइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर, फूड सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स फायरवुड फाइबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सेवरल ड्रग्स विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग जिसमें कि हम वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाते हैं किसी भी चीज की फॉर ह्यूमन वेलफेयर। नेशन इंडोव्ड, नेशन जो है रिच डायवर्सिटी को इंडोव कर रहा है एंड कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट उससे ले रहा है, और कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी इज अ नीड ऑफ द प्रेजेंट। दूसरा आपका है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि नेचर जो है इटसेल्फ बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, बिना इकोसिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती नेचर, जैसे हमारा जो अमेजोन फॉरेस्ट है जो कि फास्ट ड्विंडलिंग इस समय चल रहा है, तो प्रोड्यूसर्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो है वो अर्थ एटमोसफियर हमारा अमेजोन फॉरेस्ट ही देता है, इसीलिए लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। और पॉलिनेशन बहुत सारी बीज जो है ये सब प्रोवाइड करता है, बीज बर्ड्स इवन मंकीज और ये सारे इज अनदर सर्विसेज दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। एस्थेटिक प्लेजर के लिए भी हम लोग ये सब यूज करते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हम लोग घूमने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल जगह है वहां पर ही जाएं, तो ये हमें एस्थेटिक प्लेजर देता है। तीसरा जो रीजन है वो हमारा कंजर्वेशन, रीजन फॉर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी एथिकल आर्ग्यूमेंट है। एथिकल आर्ग्यूमेंट किया है कि हम रिलेट करते हैं कि कोई भी स्पीशीज हो, भले ही वो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट की हो या ना हो, हुम वी शेयर अर्थ, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको केयर करें, उसको प्रोटेक्ट करें। सो क्योंकि एवरी स्पीशीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट इज अवर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर वेलबींग, भले ही वो हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट हो या ना हो। ठीक है, तो दिस इज द अनदर। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। इसमें जो द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसे हम आजकल बोल रहे हैं, अर्लियर उसे बोलते थे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और इसका एक वन मार्क का दे सकते हैं कि IUCN के बारे में लिखिए, तो कीप्स रिकॉर्ड्स एंड पब्लिशेस डिटेल्ड लिस्ट ऑफ स्पीशीज जिसमें कि रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट हो, वो ये करते हैं। किस बेसिस पे? प्रेजेंट और पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन कोर्स ऑफ टाइम कितना हुआ है, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर वन मार्क या टू मार्क में आए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि उस थोड़ा सा आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। IUCN ने रिकॉग्नाइज करी है 7 कैटेगरीज, मीन्स दिस इज द डेफिनेशन, ये तो आपको टू लाइन्स लिखनी ही लिखनी है कि ये क्या करती है, ये रिकॉर्ड कीप करती है एंड पब्लिश डिटेल लिस्ट ऑफ स्पीशीज रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। वट इज एक्सटिंक्ट? एक्सटिंक्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, ना ही सर्वाइव करे अंडर कैप्टिविटी, ना ही कल्टिवेशन, ना बाहर, ना कहीं जीन बैंक सीड बैंक कहीं पर भी उसका जीन रखा हो। ऐसी स्पीशीज जो कहीं भी एग्जिस्ट, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट ना करे, वो हो गई एक्सटिंक्ट। ठीक है, जैसे आपने डोडो हो गई, क्वागा हो गई, थैलासिन पढ़ा, स्टेलस सीकाउ पढ़ा, है ना, ये सारी एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं? फ्यू इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन या ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण उनमें नेचुरल रीजनरेशन नहीं हो पा रहा है और वो एक्सप्लॉयटेशन और डिस्ट्रक्शन के साथ पेस नहीं बना पा रही, मतलब वो डिस्ट्रक्ट जितना हो रही है उतना वो रीजनरेट नहीं हो पा रही है, जैसे इंडिया राइनोसेरस एशियाटिक लायन जो हो गया, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया,
ये जो जितनी भी है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है. वनरेबल कौन सी होंगी? दीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन नंबर आर डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है, एंड जल्दी ही वो जो है लाइकली टू बिकम मोर सीवियरली थ्रेटन्ड फ्रॉम विद टाइम इन नियर फ्यूचर, और हो सकता है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाए. मीन्स इनमें खतरा मंडरा रहा है, इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती है. इंडेंजर्ड स्पीशीज वाली एक्सटिंक्ट हो सकती है नियर फ्यूचर में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो. रेयर स्पीशीज की पॉपुलेशन ही कम होती है. दे स्पीशीज विद स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन डेंजर्ड एंड वल्नरेबल बट एट रिस्क में हमेशा रहती हैं क्योंकि बहुत कम होती हैं. ठीक है, तो ये आपके ये जो है ये इसका करना है. थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी होती है? थ्रेटेंड स्पीशीज वो होती हैं जिनमें जो इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, चाहे वो इंडेंजर्ड हो, वल्नरेबल हो या रेयर हो. ये सब क्या है? ये सब थ्रेटेंड है. ठीक है, अब इसके बाद एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, तो यहां पे आप करेंगे आईयूसीएन का एक बारे में और दिया हुआ है कि आईयूसीएन जो है वो प्रोड्यूस करता है रेड डेटा बुक ऑन स्पीशीज एट रिस्क ऑफ इंक्लूडिंग वेस्कुलर प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सबका ये बताता है कि कितना है. रेड डेटा बुक मोर देन 1000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, ये रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग है. तो वट इज हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट आर द स्पीशीज रिच मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वायर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ. तो हॉटस्पॉट वो एरिया है जिसमें थ्रेटन्ड रिजर्वायर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ में उन जगह पर हैं, वो हॉटस्पॉट है, उनको ज्यादा केयर की जरूरत है. जैसे कि इंडिया में दो हॉटस्पॉट्स हैं, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज आर टू हॉटस्पॉट सिचुएटेड इन इंडिया. इन हॉटस्पॉट्स में रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, और ये बटरफ्लाई हैं, ये सब कुछ मैमल्स हैं, ये सब जो है इनमें एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो रहा है. वट इज रेड डेटा बुक? हो सकता है वो रेड डेटा बुक दे दें कि हाँ ठीक है वन मार्क में लिखिए. तो रेड डेटा बुक इज द स्टेट डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिश फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एज वेल एज फंजाई एंड सम ऑफ द लोकल सब स्पीशीज विच एग्जिस्ट विद इन टेरिटरी और स्टेट और कंट्री, कहीं पर भी है, जो कि लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट हो रही है या जिनमें थ्रेटेंड है, जो उनका जो है रिकॉर्ड रखता है. कौन रखता है? IUCN. ये कुछ एग्जाम्पल दिया है जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, डोडो, मॉरिशस, क्वागा, अफ्रीका, थैलस इन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर्स काउ रशिया, थ्री स्पीशीज सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान एंड कैस्पियन, और द रिसेंट एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स. और 20 इयर्स में विटनेस 27 स्पीशीज जो है वो जो है थ्रेटन्ड हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. तो ये देखिए जेनेटिक कंजर्वेशन हमें नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली इन सीटू एक्सीटू उसमें आ जाएंगे. इसकी हेडिंग होगी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स. दो तरीके के कंजर्वेशन मेथड्स हैं, इन सीटू कंजर्वेशन मेथड एंड एक्सीटू कंजर्वेशन मेथड. इन सीटू कंजर्वेशन मेथड को ऑनसाइट कंजर्वेशन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इन सीटू कंजर्वेशन मतलब उसी जगह पर आपने एनिमल को, प्लांट है या एनिमल स्पीशीज को, उसकी जगह उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग नहीं किया है, उसी जगह पर पूरे एनवायरनमेंट को आपने प्रोटेक्ट किया है. जैसे एक टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरीके से. तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. एग्जाम्पल बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन है. ऑफ सीटू कंजर्वेशन क्या है? ऑफ सीटू कंजर्वेशन वो है कि इन दिस थ्रेटन एनिमल्स जिनमें खतरा है, उन प्लांट्स और एनिमल्स को टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल एनवायरमेंट, नेचुरल हैबिटेट से लेकर आर प्लेस्ड इन स्पेशल, इन्हें जो है स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया में इन्हें रखा जाता है. ठीक है, जैसे जू हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, एग्जाम्पल बोटैनिकल गार्डन हो गया, जू हो गया. यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. बायो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज इन सीटू के बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड हेरिटेज साइट, सेक्रेट ग्रूव्स, नेशनल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल लैंडस्केप्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये हो गया. एक्स सीटू कंजर्वेशन में बोटैनिकल गार्डन, जू हो गया आपका, जमप्लास बैंक, पॉलन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है. जीन पूल क्या होता है? हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी अब दिया है तो एक डेफिनेशन आप कर लीजिए. तो टोटल सेट ऑफ जीन एंड एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल. जेनेटिक इरोजन की जरूरत नहीं है, वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है. नाउ कम टू दिस एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज. एक्सीटू कंजर्वेशन में अगर आप एनिमल के जेनेटिक रिसोर्स को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक है? क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक है, जिसमें 196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है. ये गैमिट्स को आप फ्रीज कर सकते हैं, सीमेन, ओवा, एम्ब्रियो, इनको प्रिजर्व किया जा सकता है और टाइम आने पे उन्हें वापस रिस्टोर किया जा सकता है. तो ये जो है डीएनए सेगमेंट, ब्लड सैंपल, इन सबको करा जा सकता है. और ये कैप्टिव ब्रीडिंग भी होती है. कैप्टिव ब्रीडिंग आपकी जू में होती है, बोटेनिकल गार्डन में आप प्लांट को लगाते हैं. तो ये सारी की सारी आपकी एक्सीटू कंजर्वेशन को
डील करता है. नाउ कम टू कीस्टोन. कीस्टोन वो स्पीशीज होती है जिसमें जो कम्युनिटी की वो स्पीशीज जिससे और भी बहुत सारी स्पीशीज जुड़ी हुई है, है ना. तो द बायोलॉजिकल कम्युनिटी सम स्पीशीज आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अदर स्पीशीज टू परसिस्ट इन कम्युनिटी. दीज क्रूशियल स्पीशीज हैव बीन टर्म्ड एज कीस्टोन स्पीशीज. ये करने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रही हूं बस आप उतना ही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं. अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा के दिखा दूंगी. नाउ कम टू प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है. प्रोटेक्टेड एरिया आपके बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सारी चीजें हैं. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ये मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज हैं टू प्रिजर्व जेनेटिक डायवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम्स. ये लॉन्च किया था यूनेस्को ने मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मान लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व दे दिया तो उसमें एक शॉर्ट नोट के टाइप में आप लिख सकते हैं टू कंजर्व डायवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. ये दो पॉइंट इनफ है. देखिए 15 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 208 का जो इसमें सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया केम इंटू एक्जिस्टेंस इन 1986 वॉज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है. और नंदा देवी आपका उत्तरांचल में है, ठीक है. बस और बाकी आपको पूरे नाम नहीं करने, कुछ भी नहीं करना है. कम टू जोन इन बायोस्फीयर, ये भी मैं एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही, कि कैसे तीन पार्ट होते हैं. कोर वो एरिया होता है जो सबसे बीच में होता है, सेंटर हार्ट ऑफ द बायोस्फीयर होता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं होती है. कोर क्या है? द एरिया ऑफ दिस जोन रिप्रेजेंट नेचुरल एंड मिनिमली डिस्टर्ब इकोसिस्टम. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड डायवर्सिटी. नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इन दिस जोन. ये जोन इन बायोस्फीयर है. यह बायोस्फीयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बफर जोन उसके बाहर आता है. इसमें लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट. अगर डेवलपमेंट के लिए जैसे साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं उनके लिए बस है, बाकी और इसमें बफर जोन में भी बहुत लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी परमिशन से ही हो सकती है. इसके बाहर जो जोन है वो ट्रांजिशन जोन होता है. उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है. उसमें टूरिज्म, एजुकेशन, ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स जो है जो जाते हैं देखने, वो सब जा सकते हैं. एडवांटेज क्या है प्रोटेक्टेड एरियाज का? मस्ट साइंटिफिक बेनिफिट इज टू डिराइव बाय स्टडिंग द इकोसिस्टम इन प्रोटेक्टेड एरिया, पर्टिकुलरली द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर का पता लगा सकते हैं. नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क वो एरिया है स्ट्रिक्टली रिजर्व इन द बेटरमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड वेयर एक्टिविटीज सच एज फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन आर नॉट परमिटेड. फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन परमिटेड नहीं होता है. और ये नेशनल पार्क जो है वो स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए है, ठीक है. ये नेशनल पार्क हो गया. सेंचुरी क्या है एरिया? ये सेंचुरी इज एन एरिया वेयर प्रोटेक्शन इज गिवन स्पेशली टू फौना. फ्लोरा की बात नहीं, फौना के लिए स्पेशली. एंड ऑपरेशन लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज परमिटेड. थोड़ा बहुत परमिट कर देते हैं इट डज, जब तक कि वो वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग को इंटरफेयर नहीं करता तब तक, ठीक है. देखो इंडिया में जैसे मैं भूल गई, ये 102 नेशनल पार्क जो है अब तक बन चुके हैं और इंडिया में ही 515 सेंचुरीज अब तक बन चुकी हैं, ठीक है. बाकी इनके नाम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर नेशनल पार्क का आप एक कर सकते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि टाइगर के लिए बहुत फेमस है, नैनीताल उत्तराखंड में है. उसको आप एक एक नाम बस ओनली वन एग्जांपल आप कर सकते हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं इसमें से पूछेंगे. सेक्रेट ग्रुप्स क्या होती है? सेक्रेट ग्रुप्स वो रिलीजियस वो प्लांट्स होते हैं जिनसे कोई रिलीजियस बिलीफ जुड़ा होता है, जिनके जैसे हम लोगों में ऑसिमम हो गई यानी तुलसी हो गई, पीपल हो गया, बरगद हो गया. द सेक्रेट ग्रुप्स आर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट दैट हैव कम्प्लीटली इम्यून फॉर ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस रिलीजियस बिलीफ के कारण. सेक्रेट ग्रुप्स जो है जैसे ये एग्जाम्पल जरूर करेंगे, खासी एंड जैंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन इन कर्नाटक और महाराष्ट्र, सरगुजा चंदा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट एरियाज इन मध्य प्रदेश, ये आप जरूर करें. फाइकस रिलीजियोसिया जैसे आपका बरगद, पीपल, ये सब जो पेड़ है ये हो गए, ठीक है. तो आप ये इंडियन सेक्रेट ग्रुप्स हैं, ऑसिमम है ना, तो ये सेक्रेट ग्रुप्स के ये एग्जाम्पल जरूर करेंगे, ठीक है. बोटेनिकल गार्डन क्या है? बोटेनिकल गार्डन वो है जहां पर प्लांट लगाया जाता है, उनका पूरा डिटेल लिख दिया जाता है ताकि लोग उसे देखें और समझ सकें कि कौन सा प्लांट है, किस फैमिली को बिलोंग करता है. अ बोटेनिकल गार्डन इज वेल टेंडेड एरिया डिस्प्लेड वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेबर्ड विद देयर बोटेनिकल नेम्स. ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कंजर्वेशन एंड डिस्प्ले एंड एजुकेशन के लिए. वाइल्ड लाइफ सफारी इज अ सफारी पार्क होम टू हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स एंड वेंडर फ्रीली अराउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट. और इसमें फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ और ये सब जो है ये साइट सींग एज वेल कर सकते हैं, है ना. सीड बैंक क्या है? सीड बैंक आपका XC2 है, स्टोरेज मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सीड. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्टोर इन प्रिजर्व जेनेटिक डायवर्सिटी को स्टोर करने के लिए इसे स्टोर किया जाता है क्राय प्रिजर्वेशन कंडीशन में.
क्रैब प्रिजर्वेशन क्या है, क्रैब प्रिजर्वेशन में जो जीन है सेल या उसका होल टिश्यू प्रिजर्व किया जाता है बाय कूलिंग ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन 196 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। जीन बैंक क्या है, जीन बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वैल्यूएबल प्लांट मटेरियल, जीन बैंक में जीन जो है वायबल कंडीशन में प्रिजर्व करा जाता है ताकि बाद में उसे कल्टीवेट किया जाए। जीन बैंक में आप सीड्स और वेजिटेटिव मटेरियल्स को जो है टिश्यू को भी आप स्टोर कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, जितना मैंने रामसर जो साइट है इसको देख लीजिए। रामसर साइट एक्चुअली वेटलैंड है जिनकी बहुत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, टू डेवलप मेंटेन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंड फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम कंपोनेंट प्रोसेस बेनिफिट सर्विसेज साइट्स आर आइडेंटिफाइड। रामसर साइट्स कितनी 2008 रामसर साइट्स जो है अभी तक इनको देख लिया गया है। ट्रेटीज एंड ओवर 169 रामसर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड है। वेटलैंड आर वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ ऑल इकोसिस्टम इन इंडिया, इंडिया के केस में ये सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है। इसके बाद यहां पर आ जाइए हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा आप कर लेंगे कि द अर्थ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर वाइटल टू ह्यूमैनिटी एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एज देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इज अ ग्लोबल एसेट टू ट्रेमेंडस वैल्यू टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप आ जाएंगे डायरेक्टली अर्थ समिट में, अर्थ समिट का दे सकते हैं द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED इज ऑल्सो नोन एज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, एंड अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो द कैपिटल ऑफ ब्राजील ऑन 1992 टू इंश्योर द रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप लेवल। इसमें क्या हो रहा है ये थोड़ा सा पूरा आप कर लेंगे। इट वॉज हिस्टोरिक लार्जेस्ट असेंबली ऑफ वर्ल्ड लीडर्स इसमें आए थे रिप्रेजेंटेटिव बनके, मोर देन 172 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 116 हेड ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेटेड हुए थे और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के पे इन्होंने जो है साइन किया था कि हम ऐसा करेंगे, ठीक है, इसे प्रिजर्व करेंगे कंजर्व करेंगे। इसके बाद आप इसमें आ जाएं 2012 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज आल्सो हेल्ड इन रियो एंड इट वाज कॉमनली नोन एज रियो प्लस 20 एंड रियो अर्थ समिट 2012। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी ये छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, यहां पर आ जाए वर्ल्ड समिट में आ जाइए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट द यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD वॉज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इसमें भी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी क्लाइमेटिक चेंज और हाईलाइट हुआ था। आप ये जो चीजें हैं बस थोड़ा सा नाम और उसके बारे में एक एक लाइन यहां से कर लेंगे, बाकी आप इसका ये जो अर्थ समिट है ये जो है आप यहां से करेंगे अपने जो समरी दिया हुआ है उससे कर लेंगे। समरी में थोड़ा सा ठीक दिया हुआ है तो वहां से आप एक शॉर्ट नोट ही आने वाला है, कोई इतना बड़ा नहीं आएगा। द अर्थ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर वाइटल टू ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन विद बायोलॉजिकल डायवर्सिटी इन अ ग्लोबल एसेट टू ट्रेमेंडस वैल्यू टू प्रेजेंट द फ्यूचर एंड फ्यूचर जनरेशन। अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट WSSD आर टू इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, ये कर लेंगे प्लस वो दोनों के बारे में मैंने अर्थ समिट और आपको वर्ल्ड समिट के बारे में जो थोड़ा सा बताया वो आप कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स NCERT के आप इस बुक से जरूर लगा लेंगे और इसे एक दो बार देख लेंगे ताकि आपका अच्छे से हो जाए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए ये देखने के बाद कि क्या आपको पूरा जो है मैं बायो कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आपके पास कल का दिन और है, परसों तो आपका एग्जाम ही है तो आज रात तक मुझे बनाना होगा, तो आप मुझे पूरा तुरंत ही बताइए ताकि मैं 3-4 घंटे का एक वीडियो बना दूं जिसमें आपकी पूरी 12th की मैं बायो कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए, मैं इतनी मेहनत करूं तो किस लिए करूं, तो उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट रिवाइज इट।